खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अमरनाथ में यात्रियों के खाने पीने के लिए जो लंगर लगाए गए थे उनको भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है और इस बात से यात्री बहुत निराश हैं। हालांकि अब वहां से लंगर हटाए जाने लगे हैं, लोग वहां से जाने लगे हैं। एक बार देखिए हमारे संवाददाता अजय बाशलू की एक खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद अब प्रशासन ने जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए जो लंगर लगे थे उनको भी जल्दी ही बंद करने के आदेश इस तरह यहाँ लंगर वालों को दिए गए हैं। हम इस समय जम्मू में श्री शिव शक्ति वैष्णो सेवा मंडल का जो लंगर है, ये इकलौता लंगर है जो अमरनाथ यात्री निवास के अंदर लगा है और इस ये लोग भी अब यहाँ से अपना सामान समेट रहे हैं और जल्द ही ये लोग यहाँ से वापस अपना लंगर का बंद करके यहाँ से वापस जाएंगे। यशपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ आदेश आपको दिए गए हैं प्रशासन की तरफ? हाँ, कल शाम को जैसे ही मैसेज आया उसके बाद मीटिंग हुई यहाँ पे। मीटिंग में आईजी साहब ने कहा है कि आप जितना आपका खाना बना हुआ है जो यात्री है इसको दे के उसके बाद आप सुबह इसको पैकअप करो और दो दिन के अंदर आप जितना आपका टाइम है अपना पैक करके बंद कर दो। आप मलाल है इस बात के यात्रा? हाँ, बहुत है सर। इतनी हम तो सोच के पूरा 15 दिन अपना यात्रा हो चढ़ नहीं दिया। अभी जो यात्री बैठा उसको भी है, इतनी दूर से आया दर्शन करने के लिए, तो एकदम अचानक बंद कर दिया गया लोगों को तो है। क्या कुछ कहा गया है आपको आदेश? यही आदेश दिया गया कि कल 2 दिन के अंदर आप पैकिंग करके अपने अपने वापस स्थान पर जाइए जी। अभी हमें तो इतना अफसोस हो रहा है कि हमारा कम से कम 50,000 का सामान आज अभी अंदर खाद्य पदार्थ पड़े हुए हैं और सब्जियां कल हम अभी 20,000 रुपये की लाए हैं वो सब हमारे लिए बेकार हो रही है। कहीं दान देनी पड़ेगी हमें, ये सोचना पड़ेगा हमें। आपको भी मलाल है इस बात का? मुझे बहुत ज़्यादा मलाल है। धार्मिक ग्रंथों में शुक्ल पक्ष में सावन के महीने में ही ये पुण्य है और यात्रा ज़्यादा आने की शुरू करने से अब सोमवार 5 तारीख को पहला शुक्ल पक्ष का सावन महीने का और 12 तारीख को है, इसके बाद ही करते तो ये सारा पुण्य धार्मिक हिंदुइज्म में ग्रंथों में लिखा हुआ, ये मेरी बातें नहीं हैं। हम सबके साथ यशपाल जी, देवेंद्र जी, भोला जी के साथ ना पीछे 25 साल से लगा रहे हैं और मेन आइडिया ये है कि इतना दिल में मला रहा है, हम कह नहीं, दिल हमारा रो रहा है, आत्मा रो रही है कि शुक्ल पक्ष में बंद किया गया है और शुक्ल पक्ष में बंद होने से ना सबके दिल कोई खोल सकता है कोई नहीं खोल सकता। मलाल है इस बात का कि अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाए गए लंगर को इस तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन वहीं प्रशासन का दावा है कि जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों और एजेंसियों से सूचनाएं मिल रही थी कि आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है अमरनाथ यात्रा पर, उसके बाद अब अमरनाथ यात्रियों के बाद अब लंगरों को भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ से जम्मू से अपना सामान समेट लें। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशले, भी न्यूज जम्मू। देखिए, अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई, जिसके बाद जो वहां पर लंगर लगाए गए थे उनको भी पैकअप करने का आदेश दिया गया, जो यात्री थे उनको भी वापस लौटने का निर्देश दिया गया। तो लंगर लगाने वाले भी निराश हैं, उन लंगरों में जाने वाले यात्री भी निराश हैं और भी जो लोग जिन्होंने वहां पर लंगर लगाए थे उनसे बात की है अजय बाशलू ने, एक बार सुनिए। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है, जिस एडवाइजरी में जम्मू कश्मीर और कश्मीर खास तौर पर पहुंच रहे श्री अमरनाथ के भक्तों और पर्यटकों को वापस जाने की हिदायत दी गई है। और हम इस समय जम्मू के अमरनाथ यात्री निवास में हैं और यहां पर इस आदेश के बाद जो यहां इस यात्रा के लिए लंगर लगते हैं उन लंगर वालों में काफी संशय की स्थिति बनी हुई है कि आगे आखिर क्या होगा। इन लंगर वालों का यह भी दावा है कि जो बालटाल में और जो पहलगांव में लंगर थे उनको वहां से बंद करके वहां जो इनके लोग गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। खुद लंगर वालों से स्थिति जानते हैं। क्या नाम है आपका? पवन जोशी। पवन जी, कहां से आप? यूपी बदायूं। बदायूं से आप। आपके लंगर कहाँ कहाँ लगे हैं और कौन कौन से लंगर अभी बंद कर दिया आपने? बालटाल पे एक लंगर लगा हुआ है, सारे लंगरों को नोटिस दे दिया है और सारे लंगर वहाँ से वापस आ चुके हैं। आपके कितने लंगर वापस? एक। कहाँ से? बालटाल से। कब वापस आए? कल। अच्छा, क्या बोला गया? उनसे बोला गया कि आप लोग वापस जाइएगा और यहाँ हालात ठीक नहीं है और सबको अर्जेंट बुलाया गया और मोहर लगा के सबको वापस दे दिया गया NOC देकर। सब लोग वहाँ से निकल गए और आदर दिया गया जो रह गए हैं वो संडे तक सारे वापस चले जाएं। सर, यहाँ कुछ जम्मू के भी लोग हैं जो जम्मू में लंगर लगा रहे हैं। सर, आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, आप
जो ये कल से एडवाइजरी आई है, इसके बाद क्या स्थिति है जम्मू के लंगरों? हमारे तो अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से नहीं है, हम खुद वेट कर रहे हैं हमें क्या आता है। ऊपर से खबरें आ रही है, लंगर वालों को बोल दिया है हम आज जाएंगे, वेट करते भी क्या होता है देखते हैं। पर यहाँ यात्री तो कोई नहीं, यात्री सारे चले गए, लग खाली हो गया जी यात्री निवास, कोई भी नहीं है। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे अब? आज जाएंगे डीसी ऑफिस, हमें एनओसी लेनी पड़ती है, उसके लिए जाएंगे भी, यात्री नहीं हमें एनओसी दी जाए और हमें जाने दिया जाए। बंद कर देंगे, अगर यात्री नहीं है तो क्या करेंगे जी? यात्री के लिए लंगर, तो यात्री तो सब चले गए, आगे आएंगे नहीं क्या? फतेह जान जी, सर आप ही वापस जाएंगे? हाँ जी, ये यात्रा ही नहीं है जी। हाँ। पीछे से अलाउड हो गया, अभी वापस जाओ अपना। हाँ। जम्मू अपर कश्मीर से। अच्छा। इसलिए तो जम्मू से भी आप बंद करके? हाँ जी, एनओसी लेके, एनओसी मिलेगी चले जाएंगे, यात्रा तो है नहीं जी। यात्रा नहीं है, वापस चले जाएंगे, ये दावा है जम्मू में जो लंगर लग रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए, ये सारे लंगर हैं जो यहाँ अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाए गए हैं, लेकिन अधिकांश लंगर आप देख रहे हैं बंद है, और अधिकांश लंगर में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि गृह विभाग के इस आदेश के बाद काफी संशय की स्थिति है। जहाँ कश्मीर में जो लंगर है, जो लंगर के यहाँ मालिक हैं, वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्हें वहां से वापस आने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जम्मू में अभी स्थिति साफ नहीं है। और जम्मू के लंगर वाले ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब यात्रा नहीं बची है, तो ऐसे में उनके जम्मू में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वासले, एबीपी न्यूज़ जम्मू।